नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वर्मा एंड आई एम फ्रॉम कैटेक। स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ पिन और अनपिन के बारे में। पिन का आप यूज कैसे कर सकते हैं, अनपिन का आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पिन होता है कि मान लो मेरे पास एक वॉल है, ये मैंने यहाँ पे वॉल लगाई, ठीक है। वॉल लगाने के बाद और मैंने यहाँ पे कोई भी दूसरी वॉल यहाँ से प्रोवाइड की, ठीक है, कैसे भी मैंने एक वॉल लगाई। अब मान लो मैं इस वॉल को कैसे भी क्लिक करके कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, तो मेरी वॉल यहाँ से मूव हो जाएगी। क्लियर, अनजॉइन किया आपने, ठीक है। बट अगर मैं किसी भी वॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिन का, अगर आप पिन कर देते हैं तो ये आपकी वॉल पिन हो जाएगी। आप इस वॉल को अब ना तो कहीं पे मूव कर सकते, ठीक है, ना आप इस वॉल को अगर आप डिलीट करना चाहें, यहाँ पे एक डिलीट का बटन होता है, शॉर्टकट है DE, आप किसी को डिलीट करना चाहें तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को पिन किया हुआ है। तो आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप उस ऑब्जेक्ट को वहां पे पिन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और आप इसे पिन कर दें। पिन करने से ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी मूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मूव करना है तो उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप अनपिन करें, या तो आप यहाँ से अनपिन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से अनपिन कर सकते हैं। शॉर्टकट है UP और पिन करने के लिए PN। आप क्लिक करें तो आपका अनपिन हो जाएगा। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे भी करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। पिन करने से होगा क्या, आपका जो वॉल है या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। तो ये होता है आपका पिन कमांड और अनपिन कमांड और डिलीट कमांड, कैसे आप ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, अनपिन करें और आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।